explica do menino um caso aí pra ele. Não dá mesmo, não dá. Glé, só vai cá. Vai ser uma rua, mas हाय गाइस, हम जा रहे हैं गार्डन में पिकनिक मनाने और बहुत गर्मी है, बहुत और एग्रेसिव भी है। हमारे साथ बस पहुंचने वाली है, बस थोड़ा और पैदल जाना पड़ेंगे, बहुत धूप है। और ये देख सकते हैं, ये अंकल का गार्डन है, सुपारी गार्डन। तो हम पहुंच गए हैं पिकनिक स्पॉट पे और यहाँ पहले से मेरा जीजू आकर वो लोग खाना पका रहे हैं अभी। तो हम लोग अभी जस्ट आकर थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत धूप है, टायर्ड हो गई हूँ। और ये देखो, इसमें गुदोक पका रही है। और दूसरी तरफ है, ये देखो मछली, गुरा मछली। और मैं उन लोगों की ये मछली देखकर मुझे बचपन की याद आ गई है। बचपन में मुझे ये मछली देखा करते थे हमारे यहाँ पर, लेकिन अभी तो नहीं देखते। खैर छोड़ो, तो वो लोग अभी खाना खा रहे हैं, तो हम चलते हैं अपने ग्रुप के पास। और ये भी देख लो इसको। और जाते जाते हम लोगों को दो तीन मछली देकर गए हैं, तो अब हम उसे बिना तेल की ग्रिल करके खाएंगे। इसके पैसे बाद ये हल्दी और थोड़ा नमक भी डालेंगे, थोड़ा नमक डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें क्या करो, ऐसे खाने से बहुत टेस्ट होते हैं। और बाकी लोग भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और यहाँ गुदोक भी पक गई है, ये गुदोक कर रही है, बेम्बू, बैगन, आलू, थोड़ा और क्या क्या डाला ये मुझे याद नहीं है, बस जितना याद है इतना बोल दिया है। और ये मछली अभी तक पका नहीं। ये भी एक पानी में रहने वाले एक मछली जैसा, इसका नाम काकरा जैसा है बोला है कुछ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसे। ये वो लोग इसको भी पका कर खाते हैं, ये लोग कहते हैं खाने में टेस्ट होते हैं। और ये मेरा क्यूट ग्रैंडसन, ये अभी अकेला अकेला खाना खाएंगे, देखो। यहाँ पर देखो, बिना तेल की मछली पका रही है ये, नो मसाला, नो ऑयल। तो अब हम खाने के लिए रेडी। ये देखो, ये मेरा हो गया रेडी और सब लोग भी खा रहे हैं। तो खाने के बाद मिलते हैं। खाने के बाद अब हम चले घूरने। ये देखो, अब घूरने निकल गए हम लोग। ये कितना वगैरह सीनरी वगैरह कितना अच्छा है। और इस गार्डन में हम लोग पिकनिक खाए थे, अब इस तरफ हम लोग जाएंगे घूरने। तो दोस्तों, आप लोग देखते रहो।
इधर ये लोग बोट पे चढ़ के मछली पकड़ते हैं। बहुत सारा मछली मिलता है इसमें।